रिश्तेदार भी तो कुछ नहीं मिलेंगे, औलादे तो मिलेंगे या रिश्तेदार है तो मिलेंगे, वो भी कब कब, उसके भी अलग अलग पार्ट से। याद रखिए एक साथ सबको नहीं मिलता, हर रिश्तेदार को नहीं मिलता है, किसी रिश्तेदार की मौजूदगी में कुछ रिश्तेदार खत्म हो जाते हैं, और समझ रहे किसी रिश्तेदार की मौजूदगी में कुछ खत्म हो जाते हैं। जैसा एक इंसान को अगर लड़के लड़कियां दोनों हों, उसकी बीवी भी हयात, लड़के लड़कियां हैं बीवी है, तो फिर चचाओं का वगैरह दूसरों का हिस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे लड़के ना हो, सिर्फ लड़कियां हो, तो चचाओं को भी हिस्सा मिलता है, लेकिन रिश्तेदार है। लेकिन कुछ रिश्तेदारों को फिक्स मिलता है, कुछ रिश्तेदारों को कुछ रिश्तेदारों के ना होने की शक्ल में मिलता है, लेकिन रिश्तेदारों को मिलता है। वालिद अगर बच्चे नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो विरासत में हिस्सेदार नहीं बनते। क्यों कह रहा हूं, मुंह बोला बेटा था, नहीं मिलता, नहीं मिलता। हाँ जरूरी है बेटा होना या औलाद होना या रिश्तेदार होना। इसीलिए कहा वालिदान, और जो माँ बाप छोड़ जाए, या फिर अकरबून, जो रिश्तेदार छोड़ जाए, तो दोनों में से मिलेगा, फिक्स हिस्सा मिलेगा, नस्ब है जरूरी है, मर्द को मिलेगा औरत को मिलेगा। ठीक, अब आगे सुनिए, मिम्मा कल्ला मिनहु औ कसर, चाहे तादाद में कम हो या ज्यादा हो, कल्ला औ कसर, चाहे तादाद में कम हो विरासत या ज्यादा हो, करना पड़ेगा दफ्तर। नहीं नहीं अम्मी के पास तो खाली जेवर थे इसलिए हमने ले लिया, नहीं चलता है, एक तोला भी है तो पूरा हिसाब करना पड़ेगा, 10,000 की भी थी तो पूरा हिसाब करना पड़ेगा। नहीं नहीं तुम ही रख लो, नहीं, हाँ रिश्तेदार ये बोले कि हिस्सा तो हो गया, हम लोग अपने हिस्से माफ कर देते हैं, 10,000 तो था क्या, 500,000 तो थे, इतने थोड़े रकम में क्या करेंगे, चलो सदका ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कितना ही अल्लाह फरमाए कल्ला व कसूर, कितना ही कम से कम क्यों ना, और कितना ही ज्यादा से ज्यादा क्यों ना हो, सबका हिस्सा करना पड़ेगा, हिस्सा तो होना, ये अल्लाह का हुक्म है, अदा की चेंज नहीं हो सकता। जो माल कम हो या ज्यादा हो, इसमें हिस्सा मुकर्रर, नसीबम मफरूजा, अल्लाह के तरफ से मुकर्रर करता हिस्सा है, नसीबम मफरूजा, अल्लाह का फिक्स किया हुआ हिस्सा है। यहाँ भी हिस्सा नहीं कहा, नस्ब कहा, नसीबम, ये अल्लाह ने फिक्स किया है अपॉइंटेड पे, मफरूजा देना ही है तुमको, मारो मत, ना अपने औरतों का मारो, ना अपने सौतेले रिश्तेदारों का मारो, ना अपनी माँ का मारो, ना किसी और का मारो, चचाओं को अगर मिल रहा है, अगर भाई मतलब बेटी बेटियां हैं, सिर्फ बेटा नहीं है, तो दो उनको भी, मार देते हैं हम लोग, चचा का क्यों देने का, देना पड़ेगा, अल्लाह ने अगर फिक्स किया तो देना पड़ेगा, उसका भी हिस्सा आ जाता है, कब, जब सिर्फ बेटियां और बेटा ना हो मरने वाले को, चचा को मिल जाता है फिर एक पार्ट, देना है जिसका है उसको देना है। यहाँ सिर्फ सिर्फ औरतों का नहीं मारा जाता है, मर्दों का मारा जाता है, मैंने देखा, बड़ा भाई छोटों को खा जाता है, सगे भाई सौते लोग खा जाते हैं, सबको देना है, सुन लो गौर से। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताऊन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।